दिस इज बर्नाली एंड वेलकम टू बरूज किचन। और आज हम बनाने वाले हैं मसालेदार दम आलू। तो चलिए शुरू करते हैं और आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और बेल बटन दबा दे। दम आलू बनाने के लिए हमने मीडियम साइज का बॉयल्ड आलू ले लिया है और मसाले के लिए हमने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ले लिए। अदरक लहसुन और मिर्च भी ले लिया है हमने यहाँ पे और कटे हुए टमाटर। अब हम मसाला का पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है जीरा 2 चम्मच और जो खड़ा मसाला हमने लिया हुआ था। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन और मिर्च और कटे हुए टमाटर। अब हम इसमें हल्का सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले का पेस्ट बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। और ये देखिए मसाला का पेस्ट अच्छे से बन के तैयार है। अब हमने ले लिया है एक कढ़ाई, कढ़ाई को हमने गैस में गरम कर लिया है। जैसे ही ये गरम हो गया अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ऑयल। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल ली हूँ क्योंकि सरसों के तेल से दम आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहे तो कोई भी खाने का तेल यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें बॉयल्ड आलू डाल देंगे और बॉयल्ड आलू को फ्राई कर लेना है। इसमें हल्का सा हल्दी और नमक ऐड करेंगे हम ताकि इसमें कलर भी आ जाए और आलू अच्छे से अंदर से पक जाए। देखिए ये एक तरफ से फ्राई हो चुका है और हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हमें इसे दूसरी तरफ से भी फ्राई करना है। ये दोनों तरफ से फ्राई होके तैयार है। अब हमें इसे निकाल देना है। अब हमें तैयार करना है ग्रेवी। ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले ऑयल ले लिया है और बचे हुए तेल का भी यूज कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। जीरा जैसे ही गर्म हो जाए हमें इसमें ऐड करना है पेस्ट और इसे मिक्स कर देना है। मिक्स करके थोड़ी देर तक ये मसाला भुनने के लिए वैसे ही रख देना है और हल्के हाथों से हिलाते रहिए ताकि मसाला चिपक ना जाए। जैसे ही मसाला तैयार हो गया अब हमें इसमें ऐड कर देना है नमक और इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। सूखे मसाले में हमने ऐड किया है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और वेजिटेबल मसाला। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कश्मीरी लाल मिर्च, इसको जरूर डालें क्योंकि इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हमें कर लेना इसे मिक्स। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आ चुका है ग्रेवी का। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी इसलिए ताकि ग्रेवी हल्का सा पतला हो जाए और इसमें आलू बहुत अच्छे से पक जाए। ग्रेवी बनके तैयार है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे तब तक मिक्स करना जब तक आलू के अंदर मसाले अच्छे से घुल ना जाए। हल्का सा और पानी ऐड कर देंगे जिससे ग्रेवी का कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो जाए और आलू में मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमें आलू में दम लगाना है और इसे इसी तरह से लो फ्लेम में कम से कम 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। ये देखिए आलू और मसाला बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। दम आलू बनके तैयार है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मसालेदार दम आलू बनके तैयार है और ये रेडी टू सर्व है। दिख रहा है ना ये लाजवाब। आप भी इस रेसिपी को जरूर अपने घर पे ट्राई कीजिए। बहुत ही सिंपल एंड क्विक रेसिपी है, आप आराम से अपने घर पे बना सकते हैं। और मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा। Thanks for watching this video. Please like and subscribe. Bye bye.